अभी पिछले दिनों काफी लोगों से बात हुई, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी, और ये महसूस किया मैंने कि हमारी जनरल बातचीत के बीच में ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली कहें या सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली कहें, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली कहें, एक सेंस ऑफ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है। एवरीबडी इज टॉकिंग टू मच नेगेटिव अबाउट एवरीथिंग। पहले क्या था, देश की समस्याएं थी, पारिवारिक परेशानियां थी, प्रोफेशनल लिमिटेशंस थी, लेकिन अब कोविड के रहते जो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज हैं, तो बहुत जायज़ और बहुत जेन्युइन है कि हमारा माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल हो और हम ज़्यादा चिंताग्रस्त हो जाएं। लेकिन ये भी सोचने वाली और समझने वाली बात है कि जितना हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, जितना हम जिस चीज़ को अपना फोकस अटेंशन देते हैं, जितनी हम अपनी एनर्जी किसी चीज़ को देते हैं, चाहे वो कुछ भी है, तो वो उतनी ही बढ़ती है। ये तो आप सबने एक्सपीरियंस किया ही होगा। अब अगर झगड़ा हो रहा है और आप फिर और झगड़ा बढ़ाएं, चिल्लाएं और उसमें और पुरानी शिकायतें डालें, तो आपको पता ही है कि झगड़ा सॉल्व नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी तरह से अगर कमरे में बहुत अंधेरा है और हम अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है ये कहते रहेंगे, तो उजाला नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन है स्विच ऑन करने की। तो जब तक लाइट का स्विच ऑन नहीं करेंगे, तब तक अंधेरा जाएगा नहीं। अगर सपोज कोई चीज़ गर्म लग रही है और हमें पसंद नहीं है, हमें तो ठंडी लेनी थी, तो ऑब्वियसली या तो हम ठहर के इंतज़ार करेंगे उसके नेचुरल तरीके से ठंडा होने का, या फिर एक कोशिश करेंगे उसे फ्रिज में रखने की या फिर उसमें आइस डालने की, ना कि हम उसे गैस पे रखेंगे। एक एग्जाम्पल इसी तरह से मैं आपको और देना चाहूंगी कि कहते हैं कि जब बहुत तेज बुखार हो, तो सबसे पहली फर्स्ट एड मेडिसिन से भी पहले क्या होती है? हम उसे गर्म चीज नहीं पिलाते, हम उसके आसपास हीटर नहीं ऑन करते, हम हमेशा ठंडे पानी की पट्टी जो है वो सिर पे रखते हैं। तो कहने का भाव क्या है, क्या मतलब है कि जब हमें चारों तरफ से नेगेटिविटी ने घेरा है, हमें पता है हमारी होप्स, हमारे प्लान्स, हमारी जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस थी या करंट एक्सपेक्टेशंस थी सिनेरियो से, वो अभी तक डिस्टर्ब हो गई हैं, एंड वी ऑलरेडी न्यू दैट, है ना। ऑब्वियसली सिचुएशंस अलग अलग हैं, किसी के लिए इनको मैनेज करना इजी है, किसी के लिए बहुत मुश्किल है, बट फिर भी हम अगर नेगेटिविटी के बारे में सोचते रहेंगे, तो नेगेटिविटी कम नहीं होगी, नेगेटिविटी दूर नहीं होगी। उसके लिए हमें जो एंटीडोज है, एंटीवायरस है, वायरस को हटाने के लिए हमेशा एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है, तो उसी तरह से नेगेटिविटी के वायरस को हटाने के लिए हमें पॉजिटिविटी का एंटीवायरस जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमें अपना बिहेवियर, हमें अपनी थॉट, हमें अपने इमोशंस वो थोड़े थोड़े शिफ्ट करने पड़ेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। हमें प्रॉब्लम्स पे फोकस करने की बजाय सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी। भले ही जिंदगी का मुद्दा कोई भी हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, कोई भी हो, इमोशनल रिलेशनशिप में हो, हमें अगर हम उस नेगेटिविटी के साथ खुश नहीं हैं, अगर हमें वो माहौल, वो वाइब पसंद नहीं है, तो फिर हम उसमें और बढ़ावा नहीं करेंगे बार बार उसके बारे में बात करके, बार बार उसके बारे में सोच के। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी वाला मुद्दा लें, हम अपनी एनर्जी, अपनी अटेंशन, अपना एक्टिविटी जो है वो डाइवर्ट करें थ्रू पॉजिटिविटी। तो प्लीज कीप ऑन नॉकिंग योर सेल्फ एंड कीप चेकिंग, डू यू हैव दैट टेंडेंसी टू बी अ नेगेटिविस्ट। और सबसे बड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी की प्रॉब्लम क्या है कि हम दूसरे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं इफ दे आर पॉजिटिव, इफ दे आर सपोर्टिव, इफ दे आर अंडरस्टैंडिंग। कि हर वक्त कोई पॉजिटिव रहता है, खुश रहता है, स्माइलिंग रहता है, सॉल्यूशंस देता रहता है, तो वो बहुत हम अप्रिशिएट करते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमेशा ऐसा रहे। देन व्हाई नॉट आवरसेल्फ्स? हमें भी अपने आप को इस तरह से डेवलप करने की कोशिश करनी है कि हम भी किसी भी क्राइसिस में, किसी भी नेगेटिविटी में हम एक लाइट ऑफ होप जो है वो ऑन कर सकें, हम एक पॉजिटिविटी की लौ जला सकें, हम कुछ ना कुछ इस तरह का सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप कर सकें जो ऑटोमेटिकली हमें ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट कभी भी
सॉल्यूशंस नहीं सोचता और कभी भी ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच नहीं अडॉप्ट कर सकता। तो आप देखिए कि आपकी बॉडी कैसी फील करती है। नेगेटिविटी में आपकी बॉडी के अंदर के हार्मोन्स इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आपको स्ट्रेस होने लगता है, आप एंग्शियस हो जाते हैं, आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, आप वायलेंट भी हो सकते हैं, या फिर धीरे धीरे आप लो मूड्स में चले जाते हैं और आइसोलेटेड हो जाते हैं। खुद को आप बहुत ज़्यादा वर्थलेस, होपलेस समझने लगते हैं। यही अगर हम पॉजिटिव वाइब्स अडॉप्ट करने की कोशिश करें, ध्यान हटाएं, कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, खुद के लिए ना सही कभी किसी और के लिए करें, ये हमारा पिछले 30 साल का आजमाया हुआ फार्मूला है। ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी हमेशा ही बहुत अच्छी चल रही थी, हमारी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स नहीं थे। अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारी ज़िंदगी के वो कुछ साल इतने स्ट्रगलफुल और चैलेंजिंग थे कि कोई और होता तो क्विट करके पता नहीं कब से इंडिया छोड़ के ही भाग गया होता। लेकिन हमने अपनी पर्सनल नेगेटिविटीज़ को, पर्सनल रिजेक्शंस को, ह्यूमिलेशंस को, स्ट्रगल्स को डाइवर्ट किया, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ों में लगाया, सोशल कंसर्न्स में लगाया, दूसरे लोगों के प्रॉब्लम सुनने में लगाया। इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं कि हम एक चीज़ को दूसरी अच्छी चीज़ से रिप्लेस करते हैं। उससे क्या हुआ कि वो गाना मुझे बहुत पसंद है, मैं आज दो लाइनें गाना चाहूँगी आपके लिए सुनाना चाहूँगी कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम्हें अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। डूबती कोई कश्ती लगा दो किनारे पे, किसी और की डूबती हुई कश्ती लगा तो दो किनारे पे, तुम्हें अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तो आइए नेगेटिविटी के पुल से निकलें, कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशंस की तरफ बात करें, कुछ उन पर ध्यान दें और कोशिश करें अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी हम खुशनुमा कर पाएं, ना कि हम नेगेटिविटी बढ़ाने में तेल में जो सॉरी आग में तेल डालने या घी डालने वाला काम करें। तो वी थिंक सो ऑफन दैट वी आर हेल्पलेस, हमें लगता है कि नहीं हो नहीं पाएगा, मैम कहना आसान है करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बिलीव मी एक बार आप कोशिश करिए, एक बार ये सोचना शुरू करिए कि नहीं मैंने करना ही है, मुझे नेगेटिव नहीं होना है, आई हैव डिसाइडेड दिस इज़ नॉट माई लाइफ स्टाइल, दिस इज़ नॉट माई स्टाइल ऑफ लिविंग, मुझे इस तरह की लाइफ नहीं चाहिए कि हर वक्त टेंशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी या फिर ऐसे लोगों से ही बात करना जो आपकी नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हों। वी ऑलवेज हैव द पावर ऑफ आर माइंड, इफ माई माइंड इज सेट एवरीथिंग इज सेट, no person, no place or thing has any power over us if we have a positive mindset, unless we give it। आप remote control अपने हाथ में रखना चाहते हैं, आप दूसरे लोगों के हाथ में देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से discuss करते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं manage करने की personal relationship में, jobs में, लेकिन इतनी politics है, इतनी negativity है, दूसरा बंदा हमें समझता ही नहीं है, वो हमें इतना poke करता है, वो हमें इतना trigger करता है कि हम लोग positive नहीं रह पाते। वी रिएक्ट, वी गेट वायलेंट, हम लोग मतलब एंगर और एग्रेशन इतना ज़्यादा आ जाता है। तो ये आपकी कमी है, कंट्रोल की कमी हमारे अंदर है, लोकस ऑफ कंट्रोल हमारे पास है कि हम अपना रिमोट किसको देंगे, वो हमें कैसे ऑपरेट करेगा। तो चूज हैप्पीनेस एंड डू इट नाउ, अभी अभी हम पॉजिटिविटी की डोज अच्छे से लेंगे और कोशिश करेंगे कि उस तरह जैसे हम भगवान की अपनी किसी भी मूर्ति को, बाबा जी की बीड़ को, गुरुद्वारे में जाते हैं, किसी भी अपने हम मानते हैं श्रद्धेय को, आस्था रखते हैं, उसी के साथ एक पॉजिटिविटी वाला पोस्टर भी फ्रेम करा के रखें, क्योंकि आजकल उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपके साथ होप, स्ट्रेंथ, विजडम और हैप्पीनेस बनी रहे, यही मेरी दुआ है। बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच।